पिछले काफ़ी दिनों से चोट से उभरने की प्रक्रिया में जुटे और पिछले साल बाद में खेले गए विश्व कप से अपना कद कहीं ऊंचा करने वाले पेसर मोहम्मद शमी इन दिनों क्रिकेट से दूर हैं। कब उनकी वापसी हो पाएगी अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें लेकर बड़ा इशारा कर दिया है। वहीं हाल ही में शमी ने इंस्टाग्राम पर कुछ अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी जिसमें वह खासी मेहनत करते दिख रहे हैं, लेकिन हालिया समय तक बॉलिंग कोच रहे पारस महम्बरे का मानना है कि गौतम को शमी के साथ बैठकर उनके भविष्य के बारे में फैसला लेना चाहिए। शमी 33 साल के हैं और यह सही है कि यहां से देखना होगा कि फिटनेस उनकी गाड़ी को कितना धकेल पाती है। वहीं महम्बरे का यह भी मानना है कि इस साल के आखिर में गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी से पहले शमी को कुछ मैच खेलना चाहिए। हालिया सालों में टीम इंडिया की सफलता में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले पारस महम्बरे ने कहा कि नए स्टाफ को शमी से बात करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि वे यहाँ से क्या करना चाहते हैं, अब वह जुआ नहीं रहे। ऐसे में सवाल यह है कि शमी कहाँ फिट होते हैं और वह कितने और साल खेलने की ओर निहार रहे हैं, आप उनका कितनी चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। पूर्व बॉलिंग कोच ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी गंभीर के साथ आएगा वह जरूर उसका आकलन करेगा कि वह कैसे शमी का सर्वश्रेष्ठ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ध्यान अब पूरी तरह से टेस्ट पर है तो नए बॉलिंग कोच को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में हो। हालांकि यह इस पर निर्भर करेगा कि शमी क्या चाहते हैं और उनका शरीर किस स्थिति में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शमी को कुछ मैच खेलने की ज़रूरत है क्योंकि विश्व कप के बाद वह लंबा ब्रेक ले चुके हैं। उनके कहने का साफ मतलब है कि क्या मोहम्मद शमी को तीनों फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाएगा या फिर उनको केवल टेस्ट मैचों के लिए ही रखा जाएगा, क्योंकि और भी काफ़ी युवा खिलाड़ी यो विकल्प बनकर आ रहे हैं सामने। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोहम्मद शमी को केवल टेस्ट खेलना चाहिए या तीनों मैचेस में खेलना चाहिए, खेल सकते हैं कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करना चैनल को।